ललितपुर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की नाबालिग छात्रा को कई दिनों से परेशान कर रहे शहदों को राहगीरों ने जमकर धुनाई कर पुलिस को सौंप दिया है। वहीं आपको बता दें कि नाबालिग छात्रा जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए आती थी, जिसको स्थानीय कसाई मंडी के निवासी आमिर सुहेल खान अपने दो मित्रों के साथ कई दिनों से परेशान कर रहा था। मौके पर उपस्थित राहगीरों ने मनचलों की पकड़ कर धुनाई करी और पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता के पिता ने सदर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अंकलजी सुवानी है। आप किस क्लास में पढ़ती हो, कौन से स्कूल में पढ़ती है? मैं 12वीं पढ़ती, मैं ललितपुर में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम बालिका इंटर कॉलेज है। आज क्या घटना घटी, क्या लड़के ने आपके साथ क्या कर रखा? अंकल जी, ये लड़का हमें 5 दिन से बहुत परेशान कर रहा है और आज बोल रहा था कि आज अपना नाम बताओ, नंबर दो, ऐसे बोल रहा था आज हम तुम्हें देख लेंगे। नहीं तो आपने जो पिछले 5 दिन से आपको परेशान कर रहा, आपने अपने मतलब परिजन से या पुलिस से कहने की? हाँ जरूर, हमने अपने परिजन से बताया, अपने मम्मी पापा को बताया, आज मैं अपने मम्मी पापा को लेके भी आई थी। तो आज ऐसा क्या हो गया था जिससे आपको मजबूरन आपको मम्मी पापा के साथ लेने? आज वो ये बोल रहा था कि आज हम तुम्हें जरूर ही देख लेंगे, तुमने अपना नंबर नहीं दिया, आज हम तुम्हें बता देंगे अपने फ्रेंडों के साथ। कितने लोग थे ये लोग? ये लोग 3 लोग थे। छेड़खानी कर रहे थे कि आपको मतलब पैसा कर रहे थे, क्या था मामला? अरे 3-4 दिन से नंबर मांग रहे थे, बोल रहा था मेरी एक्टिवा पे भेजो, चलो मैं तुम्हें घर पे पिकअप कर दे रहा हूँ। ठीक है। किसी लड़की को एक व्यक्ति परेशान कर रहा था, साथ में उसके 2 व्यक्ति और थे, ये सब बताया गया। तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है, उसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया। वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और इसमें लगातार हम लोग सतर्क हैं और जो भी इस तरह का कृत्य करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई हम लोग इसमें कर रहे हैं।